नमस्कार दोस्तों, वेलकम है मेरे नए ब्लॉग में आपका। और आज हम ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो गाइज, ये हमारा ट्रक जो पूरा गंदा हो रखा है। और आज के ब्लॉग में हम ट्रेवल करेंगे कानपुर से जयपुर। ये देखिए ट्रक बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, इसे धुलवाना पड़ेगा। और ये ट्रांसफार्मर है एक जो हमें लेके जाना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो यूज होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रक को। और ये वोल्वो FH16 की हमारी बढ़िया सी आवाज़, ये हॉर्न है कुछ ऐसा जैसा कि आप सुन रहे हैं। अभी चलिए हम इसको लोडिंग करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर को, जो हम पहले दिखाना चाहेंगे आपको कि कैसा दिखता है हमारा ट्रांसफार्मर। सायरन में कितना मस्त लगता है, क्योंकि हैवी लोड है तो हमें इसकी परमिशन है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर है पूरा जो रखा हुआ है, जिसे हमें बड़े प्यार से लेके जाना है। ये हमारे वोल्टेज FH16 को आप देख रहे हैं। ये हम आपको 360 व्यू से दिखा रहे हैं। और ट्रक को आप देखना चाहेंगे हमारे को तो ये देखिए बड़े वोल्वो का लोगो है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है। अगर लाइट्स वगैरह की बात की जाए तो ये हमारे अंदर की लाइट है, एम्बियंट लाइट जो है। फ्यूल हमारे ट्रक में काफी कम है जैसा कि देखा जा रहा है। अब चलिए हम जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारी, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और ये हमने रिवर्स गियर लगाया और स्लो स्लो हमने इसको किया। Let's get started. Drive safe. जो हमने ले ली है। Turn right. किंग प्रिंट का ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अभी चलते हैं हम हमारे इंटीरियर की तरफ। और ये हमारा इंटीरियर, सबसे पहले हमें ट्रक धुलवाना होगा। मिट्टी मिट्टी हो गई काफ़ी। ये हम देख पा रहे हैं रेड लाइट और रखी है।
रेडियो के डिस्टेंस से। चलो आगे देखने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यू स्ट्रेट। इसकी जो वॉल्वो की बात है ना कि पूरा जो रोटेशन है स्टीयरिंग का सब कुछ जबरदस्त है भाई। एक्सिट राइट। भाई लोड बहुत ज़्यादा स्टक ना ये अनबैलेंस कर रखा है कर रहा पूरे ट्रक को। कंट्रोल सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई हमारे ट्रक की मतलब स्टीयरिंग की सेटिंग हमें चेंज करनी। ये यहाँ पे कुछ खाने का जहाँ ऑलरेडी ट्रक्स खड़े हैं हमारे भाई। और हमें यहाँ कुछ खाना नहीं है, हमें धुलवाना है ट्रक जिसके लिए हम देंगे रोटेशन जिसके आपको दिखाएंगे ये हम। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से हम इसको लेंगे टर्न। यहाँ से तो टर्न करना ही मुश्किल है, इसके लिए हम लेंगे पहले थोड़ा बैक।
ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग जो आजकल चलती है, ये हाईवे पे बड़ा ही जबरदस्त पिक्चर आया है। अभी आपने देखा हमारे 1,000 रुपये काट लिए गए हैं, क्योंकि अब हमें पता चला कि ट्रांसफार्मर को धुलवाया नहीं जाता और हमने ट्रांसफार्मर भी धुलवा दिया साथ में, जो बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। अभी हमने क्रूज कंट्रोल लगा दिया है। ओवरटेक ट्रांसफॉर्मर के साथ जल्दी मोड खत्म हो, ओवरटेक कर रहे हैं भाई इतने लोड के साथ, मतलब थोड़ा डेंजरस लगता है, क्योंकि मोड पे भाई ट्रांसफॉर्मर अगर थोड़ा सा हो गया तो कोई वो नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते। इतने करोड़ों का ट्रांसफॉर्मर कहाँ से देंगे ड्राइवर। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्राइवर पर, और ये फाइनली हम ओवरटेक कर ही देंगे, भाई साहब बच गया, उसने बड़ा हॉर्न दिया। बट इन पहाड़ों के बीच से जो पहाड़ियाँ होती हैं, हमारे एक्सप्रेसवे बने हैं इंडिया में, काफ़ी अच्छा फील होता है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है, और ये काफ़ी बड़ी कठिन स्पीड बढ़ाई, थोड़ा ओवरटेक किया, फूल अभी है, हम फूल के लिए भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। फोग तो आप देख ही सकते हो कि इतना ज़्यादा फोग है, हमें कम लग रहा है। और ये हम एयरपोर्ट से गुजर के, ये सुंदर सा एयरपोर्ट,
ये उड़ान और यहाँ हमारा जहाज उड़ान कर रहा भाई, कर्जा कर्जा, और हमने उसे हरा दिया भाई। और ये हमने उसके चक्कर में कैसे ले लिए, टोल टैक्स कर पाता तो देखा जाए तो काफ़ी है, पैसा भी ज़्यादा, पर ये कि जो एक स्पीड से चलना है, बारी बारी खड्डों में नहीं जाना, टाइम बचत काफ़ी अच्छी है, पर सरकार को इसका थोड़ा रेट भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर भाई को एक तो पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, ऊपर से ये सब अफोर्ड करना थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो गया। और ये टनल इंजीनियरिंग ने बड़े कारनामे कर दिए, पहले घूम फिर के इतना ज़्यादा जाना पड़ता था, अभी थोड़े से कटिंग करके बीच में टनल बना देते हैं, तो बड़ा सुगम रास्ता हो गया आजकल। बड़ा टाइम प्लीज डो नॉट स्पीड, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे, अच्छा बीच ही तो जा रहे हैं, कहाँ से ऊपर जा रहे हैं, मेंटेन कर रखी है ना स्पीड, कर रहे डो नॉट स्पीड, काफी लंबा टाइम लगा ही है। टनल खत्म, फोग भी से स्टार्ट, आपको महसूस हो रही होगी फोग, देख सकते हैं अंदर कितना साफ दिख रहा है। साइड थोड़ा नैरो रोड दिया गया, वापिस हम उसी ही हाईवे पे, तो
तो सिंगल हो, मतलब ईद का चांद हो गए, बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। काम चल रहा है जैसे अभी पीछे देखकर, जितना बनाते जा रहे हैं उतना हमें प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। साथ के साथ चल रहा है, आगे बस कार और हमें करना होगा टैक्स। इसके लिए अभी आ गया टर्न, जिससे हम नहीं करेंगे वो टैक्स। देखिए आगे से गाड़ी भी, एक्सीलेट विथ पावर, गाड़ी आती है स्पीड में। बस एक मोड़ जो हमें क्रॉस करना है, उसके बाद थोड़ा प्लेन रोड देखने को मिल सकता है हमें, बट यहाँ भी हम ओवरटेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा डेंजरस है। क्या इसके साथ ही फोर लेन रोड, किस्मत चमकी है।
होते हुए। स्टेबिलिटी यही तो फायदा है बोलने का, क्वालिटी प्लस स्टेबिलिटी बड़ी प्यारी। सर्विस सर्विस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि तो अपने ड्राइव पे देख पा रहे हो तो कितना ज़बरदस्त ब्रेक है, एक्चुअली कोई ज़्यादा चढ़ाई एकदम से ट्रांसफॉर्मर। और ये देखिए वहाँ से हमने ब्रेक लगाया,
कॉफी एनर्जी ड्रिंक हैमबर्गर चीन सैंडविच, और हमें करना चाहिए अभी डिनर। शाम का टाइम हो गया, इसके बाद कोई स्टॉप नहीं होगा हमारे पास। ये शॉपिंग सेंटर है, आगे की तरफ रेस्टोरेंट है, और अभी हमारा हुआ डिनर पूरा। चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। हैवी लोड में आप देख सकते हो हमारे ट्रक ने जो स्लिप मारा है, बड़ा ही खतरनाक स्लिप, और बच गए भाई। तो भाइयों से रिक्वेस्ट है कि बड़ा ही स्लो स्लो ट्रक उतारें अगर ऐसा हैवी लोड है तो। देखिए ट्रक अपने आप स्लिप हो रहा है। सामान है, एक्सिट राइट। मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं, और ये लेना राइट, और सामने दिख रहा है हमारी मंजिल, और यहाँ पर अनलोडिंग। You have reached your destination. और इसके साथ होती है मर्ज।